वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास है। कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार ने 5 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर वायर खरीदी। उसने इसमें से 50% वायर 5% लाभ पर बेच दी। उसे कुल सौदे पर 10% लाभ हुआ हो तो शेष वायर उसने कितने परसेंट लाभ पर बेची। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, 50% वायर पे लाभ कमाया 5%, बाकी 50 का हमें निकालना है, बाकी 50% पे उसने कितना लाभ कमाया ये हमें निकालना है। और लेकिन उसने कुल सौदे पे लाभ हमें कितना दे दिया, 50%। इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका कैसे कि 500 मीटर वायर थी, 50% वायर में कितनी हो गई 250 मीटर, 250 मीटर पे लाभ कमाया 5%, बाकी बची 250 मीटर उस पे लाभ कितना कमाएगा x%, दोनों पे कुल मिला के लाभ 500 पे 10%। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, बेसिक तरीका हो गया जिसमें हमारे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। वो तरीका हमारा कॉम्पिटिटिव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो तरीका हम करते हैं 10वीं के एग्जाम में, तो वो तरीका हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो हमारा बेसिक तरीका है वो नहीं करेंगे, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वैसे देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हूँ कि ए पे इतना लाभ, बी पे हमें इतना लाभ, दोनों को मिला के इतना लाभ, तो कितने परसेंट है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जो जिसमें हमारा एलिगेशन मेथड लगता है। तो इसको हम एलिगेशन मेथड से देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दे दिया, 50% पे 5% लाभ, तो दोनों वस्तुएं तो कितनी होगी 50-50% में, तो नीचे 1:1 तो पहले ही लिख लेंगे, 50-50% को अनुपात में लाएंगे तो 1:1 हो जाएगा। ऊपर देखो एक पे लाभ कितना है 5%, दूसरी का हमने मान लिया x%, ये हमें निकालना है। अब दोनों को मिला के लाभ कितना है 10%, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ का अंतर 5% का है ना, 5 के बदले हमारा अनुपात कितना है 1, तो 1:1 की वैल्यू क्या आ गई 5। और यहाँ पे देखो x-10, तो x-10 हमारा क्या आ गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 + 10 कितनी आ गई 15%। यही हमसे पूछा था कि बचे हुए सौदे पे हमें कितना परसेंट लाभ कमाना पड़ेगा कि कुल पे हमें 10% लाभ हो, तो एलिगेशन मेथड से हमारा आंसर आ गया 15%। ठीक है, दूसरे तरीके से देखने हैं तो दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारा एवरेज का क्वेश्चन में कैसे करते थे, देखो मान लो 100% पे लाभ कितना दे दिया 10%, 50% पे लाभ कितना दे दिया 5%, कमी कितनी 5 की, कितने पे 50 पे है ना। अब ये कमी पूरी कितने पे करनी है, बचे हुए 50 पे, क्योंकि हमारे पास कितना बचा है 50% बचा है, तो बचे हुए 50% पे अपना 10 तो पूरा करना ही करना है, तो ये 10 तो पहले से ही लिख लेंगे है ना, प्लस यहाँ पे ये कमी पूरी करनी है तो कितने में करेंगे, बचे हुए 50 में, 50 से 50 कट गया तो बाकी को कमी पूरी कितनी करनी है 5 की, तो ये 5 और एड कर देंगे, तो इससे भी हमारा आंसर आ गया 15। तो देखो दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आया 15, एलिगेशन मेथड से भी, ये हमारा एवरेज के मेथड से भी। तो ऐसे 2-3 मेथड और हैं जिससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर तो आ ही जाएगा 2 मिनट। नमक की कीमतों में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 kg अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत ज्ञात करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, 100% से कीमत कितनी हो गई 80 है ना, 100% से 80 कीमत हो गई। यहाँ पे देखो कमी कितनी हुई 20 की, 20% की कमी, और 20% की कमी टोटल रुपए दे दिए 100 रुपए, तो 100% के बदले 100 रुपए, 80% के बदले 80 रुपए, तो यहाँ 20% के बदले रुपए कितने हो गए 20 रुपए, तो 20 रुपए की बचत हुई है। इस 20 रुपए में कितना केजी नमक अधिक आ रहा है 4 kg नमक, तो नमक की कीमत क्या आ जाएगी 5 रुपए प्रति केजी। यही हमसे पूछा था कि नई कीमत हमें बताओ।
नई कीमत पूछा है तो नई कीमत तो आ गई हमारी 5 रुपए। और यही अगर हमसे पुरानी कीमत पूछ लेते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अब हमारा मूल्य कितना आया 5 रुपए, कुल रुपए दे दिए 100 रुपए, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे 100/5। अब नमक कितना आ रहा है 20 केजी, पहले कितना आ रहा था, पहले 4 केजी कम आ रहा था क्योंकि अब 4 केजी अधिक खरीद पा रहे हैं, तो पहले कितना आ रहा था 16 केजी, तो 100/16 ये हमारा आ जाता पुरानी कीमत। ठीक है, एक वस्तु को 8400 रुपए की एक वस्तु को एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचा और उसके बाद उसे दोबारा 10% हानि पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो मेन हमारा होता है जो हम अपना एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले वो तरीका देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है 10% लाभ, तो वस्तु हो गई 110% गुणा, फिर हुआ है 10% हानि, तो वस्तु हो गई 90% बटा 100, 10 से 10 तो कितनी आ गई वस्तु अब हमारी 99% है ना। तो यहाँ पे शुरू में वस्तु थी 100%, अब हो गई 99%, कमी कितनी हुई 1% की कमी है ना, 1% की कमी हुई है, तो इसमें से 1% घटा देंगे, 8400 का 1% कितना होता है हमारा 84, तो 8400 - 84 कितना आ गया 8316, तो ये तो आ गया हमारा एक तरीके से आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, दूसरा कैसे करते हैं, सेम वही 8400 पहले लिख लेंगे, 10% बढ़ी तो 110/100 गुणा 10% कम हुई तो 90/100, एक तरीका आ गया हमारा ये, इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। एक तरीका और हमारा होता है थर्ड, हमारा थर्ड मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखो एक बार उतने ही परसेंट का लाभ और एक बार उतने ही परसेंट की हानि, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें एक्स स्क्वायर बटा 100 के बराबर हानि होती है। ठीक है, ये हमें याद करना है कि जब भी हमें सेम लाभ और सेम हानि दी हो तो एक्स स्क्वायर बटा 100 के बराबर हमेशा हानि ही होती है, जब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है कि जिसपे एक बार लाभ और एक बार हानि हो रही हो और सेम अमाउंट सेम हो, यहाँ पे जैसे 10% यहाँ है और 10% यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए, अगर ऐसे सेम क्वेश्चन दिए हों तो एक्स स्क्वायर बटा 100 के बराबर हमें हमेशा हानि होती है। तो तीन तरीके देखे हमने एक क्वेश्चन के, एक तो हमारा हो गया ये मेथड, एक हमारा हो गया ये मेथड और एक हमारा हो गया ये मेथड। जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आए और जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो वस्तु कितने परसेंट पे लाभ होता। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है 2/3 पर बेचा जाता है तो क्या हुआ है 10% हानि, 10% हानि ये हुआ है। यहाँ पे देखो 10% हानि हुई है तो वस्तु कितने में बिकी है 90% में, और 90% के बदले हमारे पास मूल्य कितना है 2 रुपए, क्योंकि वस्तु की कीमत हम मान लेते हैं अंकित मूल्य मान लेते हैं 3 और बेची कितने में है 2 में, तो 90% के बदले 2 में, तो यहाँ पे 1% के बदले कितनी हो जाएगी 1% के बदले बटा 90, और अब बेचनी कितने में है सॉरी यहाँ पे क्या निकालना हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो 2 रुपए के बदले पहले 90 करेंगे, 2 रुपए के बदले कितना है 90, 1 रुपए के बदले जो चीज हमें निकालनी है वो इधर रखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है भी परसेंटेज कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज को इधर रखेंगे। तो यहाँ पे देखो जब 2 रुपए में बेचा तो कितने परसेंट के बराबर है 90% के बराबर, 1 में बेचेगा तो बटा 2, अब बेचना कितने पे है अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य हमारा है 3, तो 3 पे बेचेंगे तो गुणा 3, 2 से कट गया 45 पे, तो कितना आ गया 135, तो शुरू में वस्तु थी 100%, अब हो गई 135, तो कितना लाभ हुआ 35% का लाभ। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर आ गया
35%। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। ती वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3, तो सबसे पहले 2/3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर अंकित मूल्य 3 है तो बेचा कितने रुपए में है? 2 में। तो 2 के बदले कितने परसेंट में बेचा है? 90% में, क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है 10% की। तो यहाँ पे कितनी वस्तु रह गई? 90%। तो अगर 1 में बेचता, 1 में बेचता तो कितनी हानि होती? 90/2। और अब बेचना कितने में है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य हमारा है 3, तो 3 के बदले गुणा 3, 2 से कट गया 45 पे। तो अब वस्तु कितनी हो गई? 135%। पहले वस्तु थी अपने आप का 100%, अब हो गई 135। तो कितना अंतर आया? 35% का। तो हमें आ जाएगा 35% का लाभ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य के 15% अंकित करता है, सॉरी 15% अधिक अंकित करता है। ये किसने यहाँ पे, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 15% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले यहाँ देखो, कितना अंकित किया? 115%, क्योंकि 15% ज्यादा अंकित किया है, गुणा छूट कितनी दे दी? 12% की। तो वस्तु कितने में बेची? 88% में। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100, 5 से काटेंगे, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 से कट जाएगा 20 पे, 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 4 से काटा 22 पे, 22 × 3 = 66, 6 × 22 = 44 और 6 = 50 बटा 5। तो यहाँ पे देखो, 5 × 5 = 1 = 1/5। तो यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 100% पहले वस्तु थी, तो 1 × 1/5 हमारा क्या होता है? 1. यहाँ पे 1.25 कैसे नहीं दिया? 506 है, 6/5, तो 1.2 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1.2% का लाभ। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदा और उतनी ही वस्तु, यहाँ पे सबसे पहले देखो, साथ साथ लिखते जाएंगे, सबसे पहले क्या है? वस्तु, रुपए। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या खरीदा? 5 वस्तु, 5 वस्तु 1 रुपए में, फिर खरीदी 4 वस्तु 1 रुपए में, तो 4 वस्तु 1 रुपए में। देखो यहाँ पे क्या बोला है? उतनी ही वस्तु। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि आप क्या दिया है, उतनी ही वस्तु, यानी कि जितनी ये वस्तु है उतनी ही सेम ये वस्तु है। तो यहाँ पे वस्तुओं को बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20, 4 रुपए में, और यहाँ पे भी 20, 5 रुपए में, ठीक है। तो हमारा आ गया 20 वस्तु 4 रुपए में और 20 वस्तु 5 रुपए में, तो टोटल वस्तुएं कितनी होगी? 40 वस्तु 9 रुपए में, ठीक है। ये तो हमारा आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य कि 40 वस्तुएं हमने खरीद ली 9 रुपए में। आगे देखो, आगे क्या बोला है? दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 वस्तु के हिसाब से बेच दी, तो बेची कितने में है? 2 रुपए में, 2 रुपए में 9 वस्तु के हिसाब से बेच दी। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पे देखो, फिर से वस्तुओं को बराबर कर लेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा, इसको 40 से गुणा, 9 से गुणा किया 81, 40 से गुणा किया 40 × 80। तो यहाँ पे देखो, 360 वस्तु, क्योंकि वस्तुओं को हमने यहाँ पे बराबर किया है। यहाँ पे देखो, 360 वस्तुओं का यहाँ पे लेन देन किया, तो यहाँ पे 1 रुपए की हानि हुई, क्योंकि 81 रुपए में खरीदी थी और 80 में बेच दी, तो यहाँ पे हानि कितनी हुई है? 1 रुपए की। और टोटल हानि उसे कुल सौदे पे हुई कितनी है? 3 रुपए की। तो 3 रुपए की हानि हुई है, तो टोटल वस्तुओं का लेन देन कितना हो गया? 360 × 3, तो कितना हो गया? 1000
80 वस्तुओं का लेन देन। तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 1080। तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया सही। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु लिख लेंगे, रुपए लिख लेंगे। सबसे पहले क्या किया है, 5 वस्तु खरीदी हैं 1 रुपए में, तो 5 वस्तु 1 रुपए में, 4 वस्तु 1 रुपए में। वस्तु बराबर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, उतनी ही वस्तु दिया है, तो वस्तु बराबर कर लेंगे। वस्तु बराबर करी तो 20 वस्तु 4 रुपए में, 20 वस्तु 5 रुपए में, टोटल 40 वस्तुएं 9 रुपए में। फिर ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्या दे दिया कि 2 रुपए में 9 वस्तु, तो 9 वस्तु 2 रुपए में। फिर से क्या है, वस्तुओं को बराबर करेंगे क्योंकि जितनी वस्तुएं लाएंगे उतनी ही तो बेचेंगे। वस्तुओं को बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा, इसको 40 से गुणा, क्या आ गया 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमारा आ गया 81। फिर 360 वस्तुओं का ही विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 80 रुपए। 360 वस्तुओं के लेन देन पे हमें हानि कितनी हुई है, 1 रुपए की हानि। हानि हमें टोटल दी कितनी है क्वेश्चन में, 3 रुपए की, तो 3 रुपए की करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा की तो हमारा आ गया 180 वस्तुएं। तो हमें शुरू में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने 1008 रुपए में 2 बकरी खरीदी, एक बकरी को 20% हानि पे और दूसरी बकरी को 44% लाभ पर। यदि प्रत्येक बकरी का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक बकरी को मान लेते हैं ए, तो ए को कितने परसेंट हानि पे बेचा है, 20% हानि पे, तो ए का विक्रय मूल्य कितना है, 80% बराबर है बी का विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया है, 44% लाभ पे बेचा है, तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 144। काटेंगे 8 से तो 10 पे कट गया, 8 से 8 एकम 8, 8 8 64, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 9, तो 5 ए बराबर है 9 बी। तो यहां पे देखो ए बटा बी बराबर है 9/5। तो यहां पे देखो, ये तो आ गया हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात, ये आ गया विक्रय मूल्य का अनुपात 14। तो अनुपात में वैल्यू कितनी दे रखी है, 1008। तो किसका मूल्य निकालना है, हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य, तो 1008 बटा कुल अनुपात, कुल अनुपात हमें 14 गुणा 9, क्योंकि हानि पर बेची कौन सी है, ए वस्तु, ए का अनुपात कितना है 9, तो यहाँ पे सीधा निकाल लेंगे अनुपात, 14 से काटेंगे, 14 7 98, 14 2 28, 9 पे चला जाएगा, 9 2 18, 9 7 63 और 1 64, तो हानि पे बेची है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 648। तो ए इज द राइट ऑप्शन। एक दुकानदार 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य का 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करूं। सबसे पहले देखो, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% है ना, और यहाँ पे क्या दे दिया, विक्रय मूल्य का 10% लाभ, तो विक्रय मूल्य को ही हम अपना 100% मान लेंगे, तो विक्रय मूल्य है हमारा 100%। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ 10% का, क्योंकि विक्रय मूल्य का 10% हुआ है, तो लाभ हमारा हो गया 10%। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य आ गया 90%। तो इस 90% के बराबर क्रय मूल्य कितना दे दिया, 27 रुपए, तो 90% के बराबर रुपए 27, 1% के बराबर बटा 90, और अब निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100%, तो गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 9 3 27, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 30 रुपए। जो चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में, हम सिर्फ वही लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, 10% लाभ, किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो हम विक्रय मूल्य को ही क्या मान लेंगे, 100% अपना मान लेंगे विक्रय मूल्य,
और लाभ कितना है 10%, तो क्रय मूल्य क्या आ गया 90%, तो 90% के बराबर 9। ये रबड़ की कीमतों में 25% की कमी होने के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। देखो 1 रुपए को हम 100 पैसे मान लेते हैं, ना 100 पैसे मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो 100 पैसे थे पहले हमारे पास, 100 पैसे मूल्य में कमी कितनी हुई 25% की, तो अब मूल्य कितना हो गया 25 पैसे, है ना। 100% से 75 हुआ तो 25% की कमी, तो 100 पैसे हुए तो 75 पैसे हो गए, कमी हमारे पास 25 पैसे की। इस 25 पैसे में कितने पेन खरीद पा रहे हैं, सॉरी रबड़ खरीद पा रहे हैं, 2। तो एक एक रबड़ की कीमत कितनी आ गई 25/2, कितनी आ गई 12.5 पैसे। ये तो आ गई हमारे पास वर्तमान कीमत 1 रबड़ की। तो अब क्या बोला है, तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, तो 1 रुपए में हमारे पास पैसे कितने 100, रबड़ की कीमत हमारी वर्तमान क्या आ गई 12.5, तो 12.5 से भाग दे देंगे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर, 10 से गुणा, तो 5 से काटेंगे, 5 × 10 पापा 25, 5 से 2 पे 25 × 100, तो टोटल रबड़ कितने आ गए 8। तो ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य के 13/15 पर एक वस्तु खरीदी, यानी कि सबसे पहले क्या दिया है 13/15, तो सबसे पहले देखो विक्रय मूल्य के 13/15, यानी अगर विक्रय मूल्य 15 है तो उसने 13 रुपए में खरीदी थी उस वस्तु को, और विक्रय मूल्य के 10-12% अधिक मूल्य पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 15 रुपए, इसके 12% अधिक पर बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसको हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।